तो अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं मौजूद हूँ यहाँ पे बेजिंग वेस्ट रेलवे स्टेशन पे। जैसा कि आपको पता है कि मैं कुछ महीने पहले भी यहाँ पे आया था, लेकिन आज मुझे जो है वो फिर से मौका मिला यहाँ पे आने का बेजिंग। तो बस कभी बंदा घूमने के लिए आता है, कभी बंदे का कोई काम होता है, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग जो है वो बंदा इजीली कर सकता है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किस तरह ट्रैवलिंग करते हो, खर्चा वगैरह आप कहाँ से लाते हो, ये वो। तो अगर आज की वीडियो आप पूरी देखोगे तो इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा और आप भी चाइना में इस तरह ट्रैवलिंग कर सकते हो। आज वाली जो मेरी जर्नी है, मेरा जो सफ़र है, वो बहुत ही मतलब कि ख़राब गुजरा है, बहुत ही वर्स्ट था, क्योंकि 14 घंटे की ये ट्रेन थी और मुझे तकरीबन कोई लग गए हैं 29 घंटे। मेरी एक्चुअली जो ट्रेन की जो टाइमिंग थी वो चांगशा से रात को 1:30 बजे की थी, लेकिन ट्रेन जो है वो 4:30 बजे चलना स्टार्ट हुई। मतलब मौसम में बड़ा ख़राब है, बारिश हो रही है, बर्फ़बारी, इस वजह से जो है वो लेट हो गई ट्रेन। 4:30 की टाइमिंग के हिसाब से इसको जो है ना बीजिंग मतलब दिन के टाइम पे आपको पहुँचना था 6 बजे, लेकिन ये अभी सुबह के जो है वो 6 बजे पहुँची है। मतलब पूरे 12 से 14 घंटा जो है ना वो ये ट्रेन लेट हो गई है। तो मेरे पास जो है स्लीपर था, तो स्लीपर मैंने ले लिया था, तो स्लीपर की वजह से मुझे जो है इतनी थकावट वगैरह नहीं हुई और मैं सुकून से जो है ना वहाँ पे सोता रहा। लेकिन अगर जिसके पास स्लीपर नहीं हो तो सीट पे बंदा बैठ बैठ के जो है ना थक जाता है। तो ट्रेन में काफ़ी फैसिलिटीज मिल जाती है अगर आप ट्रेवलिंग करना चाहते हो स्लो ट्रेन में। अगर आपका कोई लंबा रूट है 24 घंटे का, 36 घंटे का, 48 घंटे का, तो आप इजीली जो है वो स्लीपर वगैरह ले लो, या आप हार्ड सीट पे भी जो है वो आप बैठ के सफ़र कर सकते हो। अंदर सारी जो है आपको फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती हैं, टॉयलेट वगैरह, बेसन, ये वो सारा कुछ आपको मिल जाता है, तो आप इजीली रिलैक्स जो है अपना सफ़र कर सकते हो। तो अभी मेट्रो की तरफ मैं जा रहा हूँ, मेट्रो के ज़रिए जो है मैं अपने दोस्त की यूनिवर्सिटी जाऊँगा। यहाँ पे भी सुबह के 6 बजे हैं, लेकिन आज चूँकि मंडे है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है, और बाकी ये 2-3 दिन बचे हैं, उसके बाद फिर न्यू ईयर की हॉलीडेज होने वाली है, चाइनीज़ न्यू ईयर की। अच्छा, तो अभी आप देख रहे हो मैंने यहाँ से मेट्रो से एग्जिट किया है और अपने दोस्त की यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे सूरज नहीं निकला, 6:40 हुए हैं, आप देख रहे हो अभी भी अंधेरा है यहाँ पे। मौसम के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि मौसम यहाँ पे जो है वो अभी -2 चल रहा है, -2, -3 चल रहा है। वैसे जो है वो ये -7 तक मतलब कि जाता है, -7, -8। तो बीजिंग पहुँचते ही जो है वो इनका एक मैसेज आ गया है, बीजिंग की जो एडमिनिस्ट्रेशन है कल्चर और ट्रेवलिंग के हवाले से जो उनका अधारा है, उनकी तरफ से मैसेज आ गया है कि भाई वेलकम टू बीजिंग, आप जो है वो वेदर के हवाले से और ट्रेवलिंग के हवाले से और यहाँ पर रिहाइश वगैरह के हवाले से अपना ख्याल रखना, अगर कोई भी मसला वगैरह है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। तो ये मैसेज आते हैं जब आप किसी दूसरे सिटी जाते हो। तो दोस्तों अभी शाम के 4 बजे हैं और मैं सुबह को जाके सो गया था, काफ़ी थका हुआ था, नाश्ता करके सो गया था, भूख भी लगी थी काफ़ी। तो अभी मैं जा रहा हूँ, जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ उस काम के लिए जा रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर आपसे शाम को, फिर हमारा डिनर का प्रोग्राम है यहाँ पे, पाकिस्तानी एक रेस्टोरेंट है, तो दोस्त ने बोला है कि हम जो है वो वहाँ पे चलेंगे डिनर करने के लिए, तो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। मुझे लगता है कि आपको जो है वो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको मिल गया होगा कि अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो आप ट्रैवलिंग किस तरह कर सकते हो, मतलब कि स्लो ट्रेन आप ले लो, स्लो ट्रेन की टिकट ले लो, और उसके बाद जिस सिटी में जो है वो आप जा रहे हो उसमें आप दोस्त अपना कोई ढूंढो, आपके जिस सिटी में आपके दोस्त हैं तो उधर आप जाएँ, उधर आपकी रिहाइश वगैरह वो फ्री हो जाती है, और खाना तो वैसे भी आप जो अपने सिटी में खाते हो, कुकिंग वगैरह खुद करते हो, तो वो दोस्त के अपार्टमेंट में कर लो, या अगर बाहर खाते हो तो आप बाहर से भी वहाँ से खा सकते हो। तो बाकी बातें फिर जो है हम शाम को करते हैं। तो ये है पाकिस्तानी जमजम रेस्टोरेंट, यहाँ पे अभी हमने खाना खाया, अभी हम वापसी रूम की तरफ जा रहे हैं। खाने की मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि जो है वो खाने की वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि कम बनाऊँ। तो बाकी बीजिंग जो है वो हम आपको दिखाएँगे, जो चीज़ें हैं या जो जगह हैं, ज़्यादातर मैंने जो है अपने व्लॉग्स में बताई हुई हैं, दिखाई हुई हैं आपको जगह जो मैं लास्ट टाइम आया था, लास्ट जो मेरी विजिट थी उसमें। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हो। अगर कोई भी आपको मसला है बीजिंग में, अगर आप ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हो, अगर आप यहाँ पे रहते हो, तो आप मेरी वीडियोस को फॉलो करके आप जो है वो देख सकते हो। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, अभी कुछ दिन मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि जिस काम के लिए मैं आया था तो वो काम मेरा अभी तक नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ दिन रहना पड़ेगा। तो आपको कोई अगर है ऐसा टॉपिक जहन में जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो। तो आज इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मुझे यहाँ पे बीजिंग में 1 हफ़्ता हो गया है और मैं मुसलसल बिज़ी था, तो आज फिर संडे है, मुझे मौका मिला है वीडियो बनाने का। तो अभी मैं अपने जो है वो यहाँ पे दोस्त की यूनिवर्सिटी से बाहर निकला हूँ और यहाँ पे साइकिल जो है वो मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमें साइकिल यूज़ करनी पड़ती हैं, काफ़ी जगहें दूर दूर होती हैं, तो उस वजह से चांगशा में चूँकि मेरे पास बाइक है तो वहाँ पर साइकिल वगैरह हम कम यूज़ करते हैं। तो जब चांगशा से बाहर जाते हैं या किसी और सिटी जाते हैं तो फिर हमें जो है वो साइकिल्स वगैरह यूज़ करनी पड़ती हैं। तो आज एक लड़के ने मुझे इनवाइट किया हुआ है यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे जाएंगे हम, आपको भी दिखाएंगे उसकी यूनिवर्सिटी।
तो ये साइकिल खुल गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी बीजिंग में हूँ और यहाँ पे किसी काम के हवाले से आया था, तो काम नहीं हुआ इसलिए मुझे जो है यहाँ पे कुछ मज़ीद दिन यहाँ पे स्टे करना पड़ रहा है। तो बड़ा मज़ा है यहाँ पे, बड़ी अच्छी लाइफ है यहाँ पे, काफ़ी लोग जो हैं वो लाइफ पसंद करते हैं यहाँ पे बीजिंग में गुजारना, लेकिन काफ़ी फिर यहाँ पे महंगाई की वजह से, यहाँ पे खर्चे की वजह से जो है पसंद नहीं करते, फिर छोटे सिटीज़ को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है लाइफ बहुत अच्छी है अगर आप यूनिवर्सिटी में रहते हो, अगर मास्टर्स पीजी कर रहे हो, आप अगर अपनी कुकिंग वगैरह करते हो या यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हो तो आपका इतना ख़र्चा नहीं आता। तो अगर आपकी एडमिशन होती है बीजिंग में तो आप ज़रूर जो है वो बीजिंग आए, यहाँ पे बड़ा ही जो है वो पुरसकून माहौल है और यहाँ पे अच्छी जगह है, यहाँ पे लाइफ भी अच्छी है, बंदा ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे सीख सकता है बनिस्बत छोटे सिटीज़ के या छोटे जो मतलब के काउंटी एरियाज़ होते हैं वहाँ से। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा है, चाइनीज़ न्यू ईयर की छुट्टियाँ हैं, कल जो है वो मेन इनका दिन था, पहला दिन, और आज दूसरा दिन है। तो ये चाइनीज़ में उसको बोलते हैं छूअर, मतलब सेकंड डे ऑफ लूनियर कैलेंडर। तो आज मतलब दूसरा दिन है, जिस तरह हमारे पास ईद होती है ना, फिर ईद का दूसरा दिन होता है, तो आज मतलब कि इनका जो है वो चाइनीज़ न्यू ईयर का दूसरा दिन है। और दो दिन तक तो लोग यहाँ पे थे ही नहीं बाहर, हम निकलते थे वॉक वगैरह करने के लिए तो लोग यहाँ पे नहीं होते थे, आज जो है वो काफ़ी लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बाहर। क्योंकि न्यू ईयर को मैं आपको बता चलूँ कि न्यू ईयर पे जो है ना लोग इनके घर पे ही रहते हैं, रात को उनका डिनर वगैरह साथ में होता है, तो रात को उन्होंने डिनर वगैरह किया अपनी फैमिली के साथ, आज ये लोग बाहर निकलेंगे घूमने फिरने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे BLCU में आ गए हैं, बीजिंग लैंग्वेज एंड कल्चर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे एक दोस्त है हमारे जो ऑनलाइन मिले थे हमें, तो उन्होंने रब्ता किया हमसे कि आप आ जाएं हमारी यूनिवर्सिटी विज़िट करें, तो आपसे जो है वो तारीफ़ करवाते हैं और उनका छोटा इंटरव्यू भी करेंगे कि उन्होंने जो है यहाँ पे किस तरह एडमिशन ली, कौन सा टेस्ट उन्होंने पास किया और जो उनका प्रोसीजर था एडमिशन, वो सारा कुछ जो है वो आपको हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो पहले आपको तारीफ़ करा लेते हैं, ये है तला कादिर भाई, जिनका ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है, तो खुद ज़्यादा तारीफ जो है वो अपना खुद ही कराएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तला कादिर है, मेरा ताल्लुक कस्बेला बलूचिस्तान से है। मैं यहाँ पे बीजिंग लैंग्वेज एंड कल्चर यूनिवर्सिटी में अपना एक साल लैंग्वेज का करने आया हूँ और उसके बाद मैं अपना जो अगला साल है वो बीजिंग फिल्म एकेडमी में करूँगा बैचलर्स के लिए। तो बाकी बातें जो है वो अगली वीडियो में जो है वो आप देखिएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे बैचलर में अप्लाई करने, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है काफ़ी वीडियोज़ में कि आप यहाँ पे चाइना में बैचलर्स प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो इन चाइनीज़ स्टोर में होता है कैटेगरी ए पे, जो HSC के ज़रिए आप अप्लाई करते हो, तो सारा प्रोसीजर जो है वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो तब तक आपको जो है वो ये BLCU यूनिवर्सिटी दिखाते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए तो थोड़ा बहुत आपको जो है नो हाउ हो जाएगी कि यूनिवर्सिटी कैसी है ये। तो अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे एक बिल्डिंग के पास पहुँच गए हैं, ये तला भाई हमें बताएंगे कि ये बिल्डिंग जो है वो किस चीज़ों के लिए और किस कामों के लिए इस्तेमाल होती है। जी तला भाई, ये BLCU की मेन बिल्डिंग है, इसको चियाओ ईलो भी बोलते हैं, यहाँ पे हमारी मोस्टली सारी क्लासेस वगैरह यहीं पे होती हैं, इसके अलावा ऑफिसेज वगैरह भी यहाँ पे इनके होते हैं। और जब भी BLCU का नाम आता है, आप इंटरनेट पे देखते हैं कि BLCU का नाम सर्च करते हैं, तो आपको ये बिल्डिंग नज़र आएगी उस पर। तो फाइनली हम जो है वो डोम में आ गए हैं यहाँ पे BLCU की, आपको डोम भी दिखा देंगे, यहाँ पे रूम वगैरह जो है वो किस तरह के हैं। यहाँ पे ये किचन है, सही आप देख रहे हो, और यहाँ पे जो है वो सर दो रूम्स हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी, दो रूम्स हैं आप देख रहे हो, और एक रूम में जो है वो दो बंदे हैं, दो बेड पड़े हुए हैं, सही है। और यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ कि बीजिंग में जो है यहाँ पे इस तरह की जो है वो हीटिंग का सिस्टम होता है सेंट्रलाइज, जैसे रूम जो है वो गर्म होते हैं बाहर जितनी भी सर्दी हो, लेकिन कमरे जो हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं। ये दूसरा रूम, और ये है वाशरूम, काफ़ी ऑर्डर आई हो जी। अच्छा, तो अभी हम BLCU में मौजूद हैं और यहाँ पे हम डोम 4 में आ गए हैं, ये दूसरी डोम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो पहले आपको दिखाई थी वो दूसरी डोम थी, ये दूसरी डोम है। तो अंदर चल के इसके भी रूम आपको दिखाते हैं। तो ये रूम आपने यहाँ पे देखा, इसके अलावा एक दो और हॉस्टल्स भी हैं, तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे जो है ये वॉशिंग मशीन रूम है और किचन भी है साथ ही। तो
BLCU के बाद अभी हम जा रहे हैं चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जो साइंसेज में, यहाँ पे भी हमारे एक दोस्त हैं तो उनसे मिलने जा रहे हैं। आप वहाँ पे पहुँच के जो है वो आपको दिखाते हैं। वो बड़ा ही पुराने दोस्त हैं हमारे, कभी मुलाकात नहीं हुई, ऑनलाइन ही मुलाकात हुई, मतलब ऑनलाइन ही रब्ता हुआ है, सॉरी। वो काफ़ी टाइम से, मतलब कि जब से मैं चाइना में आया था 2017 में, तो तब से जो है वो हम रबते में हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, मतलब वीचैट वगैरह पे, काफ़ी दफ़ा कॉल पे, मैसेजेस पे बात वगैरह हुई है, लेकिन मुलाकात जो है वो बाइक से फर्स्ट टाइम होगी। क्योंकि चाइना में जो है वो काफ़ी ऐसे दोस्त बनते हैं आपके ऑनलाइन, लेकिन मुलाकात जो है फिर आपकी बहुत ही कम होती है। तो दोस्त से मिलने के बाद उसके हम अपार्टमेंट में गए, वहाँ पे चाय वगैरह पी हमने। तो अभी हम वापसी बाहर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे जो है वो एक जगह है, वहाँ पे जाना है हमें। तो वहाँ से फिर होके हम वापसी अपने दोस्त की यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो मुझे लगता है ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।